भाइयों, जॉली डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर है उमर जी, जो लगभग 1.5 महीना पहले भी हमारे से परचेजिंग करके लेके गए थे एनिमल्स, और अब दोबारा आए हैं। और अब इस बार फिर दो पार्टियों ने मिलके 28 एनिमल्स लिए हैं कश्मीर के लिए। और अभी 3-4 दिन हम काफी बिजी थे, इसलिए अच्छी तरह वीडियो नहीं बना पाए। अब हम गाड़ी लोडिंग कर रहे हैं तो साथ के साथ वीडियो भी बना रहे हैं। सो उमर जी, वेलकम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दूसरी बार आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जी। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्य वाला समझते हैं कि आप दूसरी बार आए और हमारे को फिर दोबारा सेवा का मौका दिया है। और इस बार जो एनिमल्स आपने लिए हैं काफी हाई क्वालिटी के लिए, बीच में लगभग 5-6 गाय तो हमारी ऐसी है जो 40 लीटर्स वाली है जी। और काफी ब्रीडेड एनिमल्स हैं, और इस बार चलो रेंज भी अच्छी मिल गई है। शुरू करते हैं यहाँ से कि ये देखिए, मैं पास में खड़ा हूँ और हाइट देख लीजिए, लगभग 6.25 फीट की गाय है। और अभी 4 दांत की है ये गाय, और CRI प्लेट की है ये भी, और आगे मिलर का सीमन लगा हुआ है, बहुत बढ़िया सीमन लगा हुआ है। और मोस्टली जो मिलर का सीमन है उसमें सिंग नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट लैक्टेशन में 38 लीटर दूध का मिल का रिकॉर्ड है, और अभी लगभग 8 मंथ में अभी चल रही है प्रेगनेंसी है, और इसकी अभी फिर भी 13-14 लीटर दूध है अभी। मतलब ड्राई करने का समय आ गया, हम ड्राई कर देंगे, तो इसलिए आपको बेशक थोड़ा कम दुबलेपन में इसलिए नहीं जा रही, क्योंकि सुबह अभी लगभग 5 बजे का टाइम है सुबह का, और सुबह 5 बजे हम बना रहे हैं। अभी इतना कुछ खिलाया पिलाया, बहुत अच्छी गाय है। लेंथ वाइज हाइट वाइज पैरों से एकदम मजबूत है, किसी चीज की कमी नहीं है गायों में। आपको दूसरी भी गाय दिखाते हैं। और अगर रेंज की बात करें तो ये 1,10,000 में दी गई है, मात्र 1,10,000 में। दूसरी गाय हम दिखाते हैं आपको, ये एक हमने आयर शेयर ली है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी, और अभी लगभग 6 दांत की हुई नहीं है ये। सो उमर जी बताइएगा जरा क्या रेंज है इसकी और क्या आपने खासियत देखी इसके बारे में। ये हमने किराया वगैरह जोड़ के 81,000 की ली है जी। तो नॉर्मली तो मैं जब वीडियोस में हम देखते हैं, या बहुत कश्मीरी लोग भी देखते होंगे, तो इसको आयर शहर ही बोल देते हैं जी। तो हमने देखे पिछले 2-3 वीडियोस में, मैंने देखे बिल्कुल ऐसे आयर शहर बोल के 1.5 लाख 1,40,000 की बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं कश्मीरियों से पहले ये भी कहना चाहूंगा कि आयर शहर का सिम्बन इंडिया में अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, तो आयर शहर आ ही नहीं सकता, उसकी ब्रीड ही नहीं आ सकती इंडिया में जी। तो आप वही है कि ठगने पे तो कुछ भी बोल सकते हैं। चढ़ी के ऊपर देखिए, इतना तो अब आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं जी, तो आपको सामने ही रिजल्ट पता लग जाएगा कि आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर सीमन की भी बात करें तो सीमन भी आजकल गूगल पे सर्च किया जा सकता है कि वो फलाना आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, और पता लग जाएगा कि ये आदमी ब्रीडिंग के ऊपर काम करता है कि नहीं करता, उसी से पता लग जाएगा। एक्चुअली मैंने इसके बारे में ना पूछा भी था बहुत सारी कंपनीज वर्ल्ड वाइड से भी, ABS से भी, क्योंकि कश्मीर में ABS अवेलेबल है, तो सबने यही कहा कि इंडिया में इम्पोर्ट ही नहीं अलाउड है। बिल्कुल। और लगभग ये गाय इस बार इकट्ठा करने में हम पता नहीं कितनी कितनी दूर गए, इवन राजस्थान भी गए हम, और राजस्थान से भी गाय लेके आए हैं, और तकरीबन 8 से 9 फार्म हम घूमे हैं। बट इस टाइम कोई भी काविंग वाली गाय बहुत कम मिलती है, जो ब्रीडिंग पर्पस पे काम करते हैं, तो काविंग की गाय जो मिलती है वो कम से कम आपको सितंबर अक्टूबर में जाके मिलेगी, क्योंकि उस टाइम मौसम बहुत चेंज हो जाता है, तो उसके कारण रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। आपको दूसरी गाय दिखाते हैं, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। देखिए मेरे सिर के जितनी गाय हैं, और अभी फर्स्ट लैक्टेशन की है, और अभी मात्र 2 दांत की है ये गाय, देखते हैं कि दांत दिखा पाती है कि नहीं। 2 दांत की भी नहीं हुई है, खीरी है, खीरी है अभी पूरा, और हाइट देख लीजिए, खीरी बछड़ी है, अभी दूध के दांत तोड़ रही है, और अब 2 दांत आएंगे। और कदकाठी देखिए, लंबाई देखिए, क्या जबरदस्त हाइट है। और ये हमने राजस्थान से ली है गाय, और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी क्रॉस में है, इसमें 15% क्रॉस होगा। जालर देखिए, नीचे नाभि देखिए, तो जरूरी नहीं कि हमने पहले ब्लैक स्ट्राइकर की दिखा दी थी तो लोग बोलने लगे थे कि ये क्रॉस में फलाना डिंगड़ा ये वो, हम जो भी बात करते हैं पूरा आगे रिजल्ट रख के डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करते हैं। तो बेशक अगर किसी को शक भी हो तो DNA भी टेस्ट करा सकता है, हम उस चीज़ से भागेंगे नहीं। और सो उमर जी क्या बोलेंगे इसके बारे, ये क्यों सिलेक्ट की आपने फिर इस बार? मैंने इसलिए सिलेक्ट की, मैं अपने कश्मीरी भाइयों को बोलना चाहूँगा, क्योंकि
इसका जो दूध होता है बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे डेयरीज में वहाँ पे जाते हैं, कोऑपरेटिव्स में जाता है, तो वो वहाँ पे एसएनएफ वगैरह फैट वगैरह चेक, और लोग से फैट का पूछते हैं, मेन जो पैसा बनता है वो एसएनएफ से बनता है, एसएनएफ से बनता है बिल्कुल। तो इसका एसएनएफ और फैट का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, और ये एडजस्ट भी बहुत जल्दी कर लेती है, बहुत तगड़ी गाय होती है राजस्थान की, मैंने बहुत इसे पहले मजबूत गाय होती है, पैरों से हर एक चीज से मजबूत होती है, जैसे क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं उसके रिगार्डिंग हमने परचेजिंग की है, जिस हिसाब से क्लाइमेट चल रहा है उस हिसाब से परचेजिंग की है। और रेंज की बात करें तो मात्र 95,000 में हमने 6 फीट की गाय ली है, सिर्फ 95 में। अब ये देखिए फार्म से ली गई है, ये स्ट्राइकर की बछड़ी है, एबीएस स्ट्राइकर की खीरी बछड़ी है अब, और सिर्फ 1 महीना पड़ा हुआ है इसको बच्चा देने में, और बहुत ही ज़बरदस्त सॉलिड गाय है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मदर रिकॉर्ड जो है 40 लीटर्स का मदर रिकॉर्ड है, हमने इसका कोई 40 नहीं बोला, कोई 35 नहीं बोला, हमने मात्र इसका 30 लीटर दूध बोल के दी जी। खीरी बछड़ी काफ़ी अच्छी है, जो गैप है उसका थन में बहुत बढ़िया गैप है, अडरवाइज भी बहुत कम्पैक्ट अडर की बनेगी, और शाइनिंग वाली गाय हैं। यहाँ पे मैं कुछ लोगों से कहना चाहूँगा अपने खास रूप पे कश्मीरियों से, कि वो ना छोटी छोटी गाय होलस्टीन की जो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, दोगली होती हैं, तो वीडियोस पे बहुत सारे लोग बना के बोलते हैं, एबीएस के जो भी नाम आ जाए, जो मुँह में नाम आ जाए ब्रूट आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये जी 35-36-40 हज़ार की है, तो उनको मैं बताऊँगा कि वो 7 से 10-12 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती है फिर वहाँ पे। तो बहुत सारे मेरे कस्टमर्स ने ली है किसी और से भी, तो फिर वो बेचारे वहाँ पे रोते हैं, यार ये तो 10 लीटर से ऊपर नहीं चढ़ रही है। जो मोस्टली फार्म होते हैं अच्छे, उनके पास बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, 2.5-2.5 लाख रुपए के उन्होंने सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, उसके अंदर पूरा इनका बायोडाटा रखा जाता है, इसका मदर रिकॉर्ड, इनका कौन सा फादर था, कौन सा इसको सीमन लगाया गया था, मदर का क्या रिकॉर्ड था, कितना दूध दिया, उसको क्या सीमन यूज़ किया गया था, और कौन सी जनरेशन की है, फिर उसके रिगार्डिंग हम सब कुछ देख के फिर हम सिलेक्शन करते हैं। आज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमल्स आए हैं, और बाहर देख सकते हैं कि लोडिंग शुरू है, 4 ट्रक लगे हुए हैं लोडिंग के लिए, और इसलिए इतना बिजी भी है आज, वन बाय वन इतनी सारी है हम, सो आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से इधर आइए, आप देखिए अभी इसने कल ही बच्चा दिया, छोटे छोटे सिंग है बट है एबीएस की है, और फार्म से ली गई गाय हैं, और डायरेक्ट कस्टमर को परचेजिंग कराएगी, आगे पीछे अडर है, और बछड़ी काफ़ी अच्छी दी है, फीमेल काफ दिया हुआ है, और इधर आइए ये हम आपको दिखाते हैं, ये ट्रिगर की है गाय, जिसका पूरा हमने रिकॉर्ड भी दिया है, डायरेक्ट फार्म से परचेजिंग की है, और मिल्क रिकॉर्ड का जो हमने 45 लीटर दूध का हमने गारंटी दी है इस चीज़ की, और सीमन काफ़ी अच्छा स्टॉकी का सीमन यूज़ किया गया पीडीएफए का, और अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, अपने नज़रों में देखी गई गाय परखी हुई है, इसलिए इस गाय की हमने परचेजिंग की है। आइए तीन लगभग जर्सी भी ली गई है, एचएफ जर्सी क्रॉस ली गई है, जर्सी डेनमार्क की जर्सी ली गई है, जिसको एबीएस जुकोई का सेक्सल सीमन लगा हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाइज है, और 20-22 लीटर दूध हमने ज़्यादा नहीं बोला इसका, 20-22 लीटर दूध ही बोला है, और आप ये देख सकते हैं टाइसन की है, इसको भी ये एबीएस जुकोई का सीमन लगा हुआ है, और इसकी भी मिल्क कैपेसिटी जो है हमने हार्डली 20-22 लीटर ही बोला गया है। सो आज थोड़ा सा बिजी है, और बहुत जल्द अच्छी सी और वीडियो लेके आएंगे, बहुत जल्द हमारा वेस्ट बंगाल का जो एक आध दिन के अंदर परचेजिंग हो चुकी हुई है और लॉट तैयार होने वाला है, और आपको लॉट दिखाया जाएगा, और तब तक जॉली डेयरी फार्म के साथ जुड़े रहिएगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी कोशिश कीजिए कि लोगों के बहकावे में मत आइएगा कि ये एबीएस की है वो है, कि अब थोड़ा बहुत इतनी देर होगी आप लोगों को वीडियोस देखते हुए, तो अब तो आपको भी बहुत नॉलेज आ गई होगी, जांच परख के चीज़ें लीजिए कि हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। सो उमर जी को भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत बहुत, और आते रहिएगा जी, बिल्कुल आते रहिएगा, ठीक है जी, धन्यवाद।